इंदौर में प्यार और लूट का गजब कनेक्शन सामने आया है। बॉयफ्रेंड लूट की वारदात करता है, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है तो गर्लफ्रेंड ब्याज पर रुपए लेकर उसे जमानत पर छुड़ा लाती है। बॉयफ्रेंड उधारी चुकाने के लिए फिर वारदात करने लगता है। गर्लफ्रेंड पुलिस से उसकी आखिरी वारदात कहकर मिन्नतें करती है और जमानत पर छुड़ा लाती है। विजयनगर पुलिस ने शुक्रवार देर रात बदमाश को पकड़ा तो इस प्रेम कहानी का खुलासा हुआ। विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि इलाके में लूट की वारदात बढ़ने पर हमने मुखबिर सक्रिय कराए थे, जिसमें सामने आया कि बदमाश विशाल नानेरिया कुछ दिन पहले जमानत पर बाहर आया था। पुराने अपराधों में भी उसका यही पैटर्न था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। विशाल पर हीरानगर, लसूड़िया, पलासिया सहित अलग अलग थानों में 8 से अधिक अपराध दर्ज है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले डकैती की साजिश रचने के मामले में उसे जेल हुई थी। वहीं गर्लफ्रेंड ने ब्याज पर 40,000 रुपए उधार लेकर उसकी जमानत करवाई थी। जमानत मिलने में लंबा समय लगा था और इस कारण से रुपए मांगने वाले लगातार गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे, इसलिए जेल से छूटते ही उसने फिर से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। किसी भी वारदात के बाद पुलिस विशाल को पकड़ती तो उसकी गर्लफ्रेंड थाने पहुंच जाती और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाती कि ये विशाल का आखिरी अपराध समझकर छोड़ दो। कुछ दिन पहले ही हीरानगर थाने में एक बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और मोबाइल लूट के मामले में कोर्ट के समक्ष पेश किया है, जहां पर गर्लफ्रेंड ने उधार के रुपए से उसकी जमानत करवा दी। आरोपियों ने पर्स व मोबाइल की लूट की वारदात की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस बार भी उसकी गर्लफ्रेंड ने कोर्ट से 30,000 रुपए की जमानत पर उसे छुड़ा लिया। इसको जब पकड़ के इससे पूछताछ की तो पता चला कि ये अपने साथियों के साथ में पहले भी जब जेल से बाहर था तब भी इसने ऑर्बिट मॉल और हीरानगर इन क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की थी और उन चोरियों की मोटरसाइकिल से ये स्नेचिंग की वारदात करते हैं, शराब का अवैध परिवहन करते हैं और जब जैसे ही पकड़ा जाते हैं तो इनकी जमानत इनकी जो परिजन है, इसकी जो फियांसी है वो करवाती है और ये फिर बाहर आके पुनः वारदात करने लगते हैं।